हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रैकर्स में आपका। फ्रेंड्स, आरपीएफ कांस्टेबल एंसिलरी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितना पुराना, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, ओबीसी एसटी एसटी के लिए क्या क्या होना चाहिए, सारी की सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के दौरान मिलने वाली है। तो वीडियो को पहले लाइक करिएगा और फिर वीडियो को स्टार्ट करिएगा देखना, क्योंकि वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं वीडियो लेके आता हूँ हर वीडियो को आपको देखने लायक, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल एंसिलरी की जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड की है सारी की सारी रियल और ऑथेंटिकेट वीडियो होती हैं और आपको समझ में आने वाली वीडियो होती है। इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रेंड्स कि किस प्रकार के डॉक्यूमेंट, किस प्रकार के प्रूफ चाहिए और कहाँ से आपको किस प्रकार से बनवाना है, वो सारी की सारी जानकारी आज आप इसको इस वीडियो में आप ले पाएंगे। तो चलते हैं फटाफट इस वेबसाइट में, वेबसाइट में किस प्रकार से बताया गया है, बहुत ही रियलिटी के साथ इस वेबसाइट में बताया गया है। तो आपको इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप जाए डायरेक्ट जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन से वहां से डायरेक्ट जाके इस लिंक को खोलिएगा और पढ़ भी लीजिएगा आराम से। तो फटाफट खोलते हैं उस वेबसाइट को और वेबसाइट को खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पर मैं careeraglasam.com इस वेबसाइट का नाम है, डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड फॉर द आरपीएफ कांस्टेबल एंसिलरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2019। बस आपको यही टैप करना है और आप अगर आप नहीं टैप कर पा रहे हो या सर्च बॉक्स में नहीं लिख पा रहे हो तो बस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, एक लिंक मिलेगा डायरेक्ट इस वेबसाइट पर पटक देगा वो। ऑन द डे ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट्स हैव टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड बिलो। जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लिखे गए हैं वही डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करके ले जाने हैं उस दिन आपको एग्जाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन, ठीक है ना। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ओरिजिनल एज वेल एज द सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फॉर द वेरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन फॉर द कैंडिडेट्स। अगर आपको इस वीडियो के दौरान कोई भी क्वेरीज रहती है, कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हाँ, मालूम है फ्रेंड्स कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाता हूँ, मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, फिर भी मैं वीडियो बनाकर आपको देता हूँ। बहुत ही कोशिश करता हूँ कि अच्छी वीडियो बना सकूँ, लेकिन मैं फेल हो जाता हूँ बार बार, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मुझे गाली भी देते हैं, मानता हूँ मैं वीडियो अच्छा नहीं बना पा रहा हूँ, जो आपके हित के लायक हो, जो आपके हित के लायक हो, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि पूरे का पूरा वीडियो वैसा ही बने, ठीक है ना। तो कैंडिडेट्स हु विल फेल टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स विल रिजल्ट इन द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेचर इवन आफ्टर क्वालिफाइंग सीबीटी पैट पीएमटी एंड ट्रेड टेस्ट। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताया गया है, जस्ट ये आपकी सिंपल सी कॉमन सी घोषणा की गई है कि आपको जो है ना डराया धमकाया जाता है कि आप अच्छा करें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। क्यों यहाँ पर बताया जाता है कि डिसक्वालीफाई हो जाओगे एंड ऑल दैट। मैंने अब जितने भी स्टूडेंट का कराया है, आर्मी में कराया है, एयरफोर्स में कराया है, जिनका भी सिलेक्शन कराया है, वो बोलते हैं कि सर ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं है वहाँ पर कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, ऐसा उनका कोई भी प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको नीचे दिए गए कागज़ों को बस लेके जाना है, कागज़ लेके जाइए। अगर आपको कागज़ों में कोई भी प्रॉब्लम होती है तब हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कॉन्टेक्ट करने के बाद अगर उसमें भी प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर आपको वहाँ पर कुछ नहीं किया जाएगा, कुछ भी जो भी डॉक्यूमेंट्स कहा गया है बस वही डॉक्यूमेंट लेके जाना है, इसके अलावा और भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी नहीं है बताया जा रहा है। 10th मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, अगर आप 10th और मेट्रिकुलेशन में पास हुए हो या HS मतलब जो सेकेंड ईयर आपने 10+2 पास कर रखा है उसका आप सर्टिफिकेट ले लीजिएगा एज डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, उसमें आपका डेथ ऑफ बर्थ प्रूफ मिल जाएगा। वो सिर्फ खोजते हैं आपका डेथ ऑफ बर्थ जो है, जो एग्ज़ाम के टाइम में फॉर्म भरने के टाइम में जो आपने दिया है उससे मिलता है या नहीं, ठीक है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, बस थोड़ा सा उसमें वो थोड़ी बात सुनाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डिस्क्वालीफाई हो जाएगा एंड ऑल दैट। किसी को डिस्क्वालीफाई करते हुए मैंने आज तक नहीं सुना है, ठीक है ना। आपने सीबीटी क्रैक किया है, ठीक है ना, सीबीटी क्रैक किया है, पैट क्रैक किया है, पीएमटी क्रैक
क्रैक किया है, ट्रेड टेस्ट क्रैक किया है एक छोटे से जॉब के लिए, आरपीएफ की एंसिलरी की जॉब के लिए। इतना भी नौटंकी तो मैंने आज तक देखी नहीं है, ठीक है ना। तो आरपीएफ के जो भी जो है ना जवान है वो भी जानते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस, किस प्रकार की बातें आपसे पूछनी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही बात पूछे जाएंगे। आपको डरने और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है उसमें। कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है, एसटी एससी ओबीसी, अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको बस उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑफ 4X सर्विसमैन, मैंने कल ही बताया था इसके रिलेटेड वीडियो, मैंने बताया था उसमें, मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया था, फिर भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या सर इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसके अलावा भी कुछ लेकर जाना है। मैं भाई बोलता हूँ कि आप पूरा पोथी पत्र लेकर जाओ, मैं ये नहीं करता कहता हूँ कि सारे यही डॉक्यूमेंट लेके जाओ, मैं कोई मास्टर नहीं हूँ उसका, मैं बोल रहा हूँ कि सारे पोते पत्र लेके जाओ। आपको अगर उसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वहाँ से लौट आओ, आपके लायक वो जॉब नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। जो भी नियम से आप कर रहे हो उस नियम को अगर वो तोड़ते हैं तो मैं भाई कह सकता हूँ कि वो आरपीएफ की पूरी गलती है, मैं कुछ नहीं कह सकता, उसमें आरपीएफ की पूरी गलती है, मैं मानूंगा इस बात पर, ठीक है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन, जो प्रतियोगी एक्स सर्विसमैन रह चुके हैं उनका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेकर जाना अनिवार्य होता है। 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ चाहिए जो फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। देखिए फ्रेंड्स, वेरीफाइड करते हैं कि जो कैंडिडेट एग्जाम दिया है, जिस कैंडिडेट ने सीबीटी दिया है, जिस कैंडिडेट ने पेट पीएमटी दिया है, ट्रेड टेस्ट दिया है, उस बच्चे का फोटो उसके चेहरे से मैच करता है या नहीं, पूरी की पूरी डिटेल में जानकारी मिल रही है फ्रेंड्स। तो इस बात पर एक लाइक और शेयर बनता ज़रूर है। एनओसी सर्टिफिकेट, एनओसी इशूड बाय द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, अगर आप प्रेजेंट एम्प्लॉयर रह चुके हो आरपीएफ के, तो प्रेजेंट एम्प्लॉयर इफ़ द कैंडिडेट इज अ सर्विंग गवर्नमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उसमें आप क्लेम दैट द कैंडिडेट कैन गेट एन अपॉइंटमेंट विदाउट एनी ऑब्जेक्शन, ठीक है ना। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसमें बताया जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, आपको डायरेक्ट एंट्री मिलेगी आरपीएफ के एंसिलरी कांस्टेबल के जॉब में के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपका एनओसी होता है तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आप मैं तो डायरेक्ट बोलूँगा आप एक एक्स सर्विसमैन का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ले लीजिए या एनओसी ले लीजिए और 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, बस और कुछ आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप वहाँ पर इन तीनों चीज़ों को लेकर जा सकते हो, ठीक है। बात करते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास है तो लेकर जाइए, अगर नहीं है तो वो आपसे पूछेंगे तक नहीं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या नहीं। फॉर कैंडिडेट्स वेयर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड, जो कैंडिडेट्स के डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स चाहिए उन्हीं के लिए बताया गया है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द आरपीएफ काउंसिल एंसिलरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द कैंडिडेट्स इफ ही शी विल चेक द पॉइंट्स लिस्टेड बिलो एज इट विल हेल्प देम इन द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आपने एडमिट कार्ड को देखा है, देखिए फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ, एडमिट कार्ड कैंडिडेट्स शुड मेक श्योर दैट दे कैरी द एडमिट कार्ड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, एज स्टूडेंट आर ऑलरेडी बींग टोल्ड टू कीप द एडमिट कार्ड केयरफुली टिल द completions of the recruitment process, candidates can get the admit card laminated so that it doesn't get tempered. तो फ्रेंड्स, आपको टेम्पर्ड होने की ज़रूरत नहीं है, आपका एडमिट कार्ड लेमिनेटेड होता होगा, सभी को पता है, आरपीएफ के जवानों को पता है, इसीलिए इस बहुत ही अच्छे अच्छे वेबसाइट्स बनी हैं जो आपको बताती हैं कि आपको क्या क्या किस किस प्रकार से कैरी करना है एग्ज़ाम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डे के दिन, ठीक है ना। रिजर्व कैटेगरी क्या है, जो रिजर्व कैटेगरी होते हैं ओबीसी एससी एसटी के लिए, दोज कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू द रिजर्व कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द कैटेगरी सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, इन केस अ कैंडिडेट फेल्स टू सबमिट द कैटेगरी सर्टिफिकेट देन ही शी इज गोइंग टू बी डिसकंसिडर्ड इन द जनरल कैटेगरी, तब उनको जनरल कैटेगरी में समझा जाएगा। अब आप बोलोगे कि आपके पास ओबीसी नहीं है तो सर मुझे ओबीसी क्या सेंट्रल सर्टिफिकेट में बनाना है, जी हाँ, मैं बार बार बोलता हूँ आपका ओबीसी सेंट्रल होना चाहिए। आज का जो है ना स्टेट वाइज जो होता है ना कोई भी सर्टिफिकेट का मान्य नहीं रखते हैं, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है भाई लोग, जो एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट की तरफ से होता है, और गवर्नमेंट कहाँ की होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना। और स्टेट गवर्नमेंट उसकी होती है जो एक राज्य के लिए एग्ज़ाम करवाती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो हर एक राज्यों के लिए एक साथ एग्ज़ाम करवाती है। समझ में आ गया बात आपको, क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ द सर्टिफिकेट, किस प्रकार का लैंग्वेज होता है। ऑल द सर्टिफिकेट्स आर रिक्वायर्ड टू बी
आइदर इन इंग्लिश और हिंदी। देखिए फ्रेंड्स, आपको जो लैंग्वेज और जो सर्टिफिकेट का होगा वो इंग्लिश या हिंदी में होना चाहिए, अदरवाइज आपको वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वहाँ पर आपको डिस्क्वालिफाइड, ऐसे बोलते हैं सर कि डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भाषा में पढ़े हो आप उस भाषा को लेकर जाइए, अगर आपको कुछ होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन तो आप लौट आइए, बात ख़त्म। ऐसी बात तो नहीं है कि आपको डिस्क्वालिफाइड कर दिया आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, नहीं भाई, और भी बहुत सारी ज़िंदगी, अभी बहुत मेहनत करना है हमें, इससे भी अच्छी अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं लगा हूँ आपके साथ और आप भी लगे रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है। माइनॉरिटी कैटेगरी, देखिए माइनॉरिटी कैंडिडेट्स मीन हु आर मुस्लिम्स। देखिए अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो, मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो, सिख्स हो, बुद्धिस्ट हो, जैन एंड जोरोस्ट्रियंस हो, आर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द माइनॉरिटी सर्टिफिकेट। देखिए फ्रेंड्स, सारे भारतीय हैं, याद रखिएगा सारे भारतीय हैं, जो सारे भारतीयों के लिए भी आजकल जो RPF जो कैडेट्स होते हैं उस उन वो क्या कहते हैं कि माइनॉरिटी सर्टिफिकेट या उसकी कैटेगरी की बताइए आपकी उसकी सर्टिफिकेट है या नहीं। फेलियर फॉर ऑफ सबमिशन ऑफ द माइनॉरिटी सर्टिफिकेट विल रिजल्ट इन द रिजेक्शन ऑफ दैट कैंडिडेट। बस एक छोटी सी बात बोली गई है कि अगर आपके पास माइनॉरिटी सर्टिफिकेट कैटेगरी की सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको रिजेक्शन की ओर खसीटते हुए ले जा सकता है, ऐसी कुछ बात नहीं। ओबीसी सर्टिफिकेट, ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करता हूँ, एक होता है NCL, एक होता है नॉन NCL। NCL क्या होता है फ्रेंड्स कि नो ऑब्जेक्शन, देखिए नॉन क्रिमिलेयर, और एक होता है क्रिमिलेयर्स, देखिए CL होता है, ठीक है ना, ओबीसी का CL होता है जो क्रिमिलेयर होता है, और एक होता है NCL नॉन क्रिमिलेयर। तो अगर आपके पास दोनों में से कोई एक है जिससे आप फॉर्म भरते हो, NCL से आप बिलोंग करते हो, तो आपको NCL का सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रेंड, तो जो आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए मान्य होगा, चाहे वो UPSC की एग्ज़ाम क्यों ना हो, आपको वही मान्य होगा, आपको उसके अलावा और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की और भी कोई भी वीडियो आपको इस वीडियो से अच्छी नहीं मिलेगी। RPF की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो ये वीडियो है आप जहां तहां शेयर कर सकते हो, और आपको ये वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बहुत सारी जानकारी आपको यहां पर मिलेगी जो कि आपको बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।